नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो न्यू स्टूडेंटों के लिए है जो UPSC की तैयारी करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। इस वीडियो में फ्रेंड्स, हम आपको बताने वाले हैं कि जो CSAT है वो क्या है, इसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, CSAT एक्चुअल में एक मतलब शॉर्ट नेम है, इसका पूरा नाम होता है दोस्तों सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। ये दोस्तों UPSC की जो परीक्षा है, जो IAS, IPS, IFS के लिए प्री की जो परीक्षा है दोस्तों, उसमें ये जो है दूसरा पेपर होता है, जिसको सामान्य अध्ययन सेकंड या द्वितीय जो है बोलते हैं। दोस्तों, इसमें FT रीजनिंग, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, डिसीजन मेकिंग, ये इसके जो है क्वेश्चन आते हैं। और ये जो क्वेश्चन पेपर है दोस्तों 2015 से, यानी कि 2015 से जो है क्वालिफाई है, यानी कि दोस्तों इसमें जो है सभी कैटेगरी के लिए 33% मार्क्स लाना जो है स्टूडेंटों के लिए ज़रूरी होता है। और एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, यदि आप इस पेपर में फेल होते हो तो GS के पेपर में आपके कितने ही मार्क्स क्यों ना हो, आपका जो है आप जो है फेल ही माने जाते हो। दोस्तों, UPSC सिविल सर्विस में जो है प्री एग्ज़ाम में केवल GS के पहले पेपर का जो है स्कोर से कट ऑफ बनता है, दूसरा पेपर क्वालिफाइंग होता है सभी कैटेगरी के लिए 33%। दोस्तों, बोलने में तो ये आसान है कि इस पेपर में FT रीजनिंग, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन आता है, लेकिन इसमें जिस टाइप का रीजनिंग या फिर मैथ जो है पूछा जाता है, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन दोस्तों परिच्छेद वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा स्टूडेंटों को परेशान करते हैं। स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं कि इनका जो है सही आंसर जो है क्या है। दोस्तों, रीड यदि आप UPSC की तैयारी करना चाह रहे हो, हिंदी मीडियम से हो, तो CSAT का पेपर पर जो है आपको प्री एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा जो है ध्यान देना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट जो है हिंदी मीडियम वाले इसी पेपर में जाके जो है फेल होते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ आपको CSAT के पेपर के बारे में बताया है। धन्यवाद।